हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भगवान की भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। तो आज क्या है इस खास वीडियो में बताती हूँ। आज का जो किस्सा है, आज का जो अनुभव है, वो हमें शिवानी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उन्होंने भेजा है। तो क्या बताती हैं वो अपने इस किस्से में, वो ये बताती है, आप सभी ने, काफी लोगों ने सुना होगा सफेद दागों के बारे में। तो उनको उनके बेटी के बर्थ के बाद, उनकी बेटी जब 2 साल की थी तो उन्हें पहले सफेद दाग आने लगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और इवन कहीं की भी हो तो क्या होता है, फैमिली वाले बड़े ही इस चीज को, प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये परेशानी हमें ना लग जाए। कुछ ऐसा ही नजरिया उनके सास ससुर का होने लगा था उनके प्रति। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो सफेद दाग उनके ऊपर आ रहे हैं, कहीं वो उनकी चपेट में ना आ जाए। तो वो अपने बेटे को भी अपनी बहू से दूर रहने की हिदायत देने लगे थे। जब ये बातें शिवानी को पता लगी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, जो कि आमतौर पर किसी के साथ भी हो सकता है। वो बताती कि वो इतना डिप्रेस रहने लगी थी, इतना परेशान रहने लगी थी कि उन्होंने घर से बाहर निकलना बस बंद ही कर दिया था। अब उन्हें बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि ज्यादातर कोई भी, वो जब बाहर निकलती थी, लोग, आस पड़ोस के लोग ये पूछा करते थे कि इसका क्या डॉक्टर ने इलाज बताया है, कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे को तो नहीं लगेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे के शिवानी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन से सब ट्राई किया, लेकिन जिसको जो परेशानी होनी होती है ना, वो बढ़ती ही चली जाती है। कुछ ऐसा ही उनके साथ होने लगा। वो कहती है कि मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं किसी से सही से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे ही मिनट वो पर्सन मुझसे उस बीमारी के बारे में बात करने लगेगा। तो ना उनका कोई फ्रेंड बचा था, अब वो बस अकेली रहने लगी थी। जो उसके हस्बैंड थे वो साथ दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अपने घर वालों का भी था उनके ऊपर, बीमारी को लेकर, कि ये फैलती जा रही है। तब शिवानी जी ने कहीं से राम नाम, नाम जाप के बारे में सुना, और वो बताती हैं कि उन्होंने सोचा कि जब मुझे ऐसा लगने लगा ना कि अब कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं भगवान का नाम लेकर एटलीस्ट ये जो मेरे साथ परेशानियां आ रही है, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो शायद मुझे इन बातों का जवाब मिल सके। और अगर ना भी मिल पाया तो मैं उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं, ताकि मुझे लोगों की बातों का दुख दर्द होना छूट जाए। अब इस तरह से वो नाम जप उन्होंने शुरू किया। ऐसे ऐसे 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, अब उनको नाम जाप की आदत पड़ चुकी थी। वो कहती है कि सुबह उठकर उनका बस एक चीज होता था, घर का काम वाम करके फ्री होकर मैं आराम से बैठ के नाम जाप करूं। नाम जाप करना शुरू किया। नाम जाप करते करते 3-4 5 महीनों के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो उनका वाइट वाला कलर था वो काफी कुछ उनकी बॉडी पे आ चुका था। डॉक्टर से बात करी तो इसका दूसरों को नेगेटिव इफेक्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके साथ रहने से ये बीमारी दूसरों को लग सकती थी, तो उनके हस्बैंड ये बात समझ चुके थे। लेकिन क्योंकि जो शिवानी थी वो थोड़े से सांवले कलर से डार्क थी, तो उनके ऊपर ये गोरा रंग चढ़ चुका था। अब वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। उनके हस्बैंड भी कई बार अब उनको बातों में कहा करते थे कि शिवानी अब तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। अब उनमें वो जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आने लगा। और वो बताती है, कुछ मेरे साथ ये हुआ कि अब मैं पहले से बहुत सुंदर दिखने लगी थी, मेरे में कॉन्फिडेंस अब आने लगा था, क्योंकि लोग मुझे कहने लगे थे कि ये जो सफेद रंग की परत तुम पे चढ़ती जा रही है, ये एक्चुअली में तुम्हें बहुत सुंदर बना रही है। अब ये कॉन्फिडेंस आने के बाद वो बहुत खुश रहने लगी थी। तो कुछ ऐसा असर वो नाम जाप का बताती है। वो कहती है कि मुझे पहले से ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, और मेरा रंग ये जो पूरा चढ़ चुका है, मैं और सुंदर लगने लगी हूँ, जिसको मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ये प्रभाव पड़ा नाम जाप का। तो अगर आपकी जिंदगी में भी नाम जाप का या भक्ति करने के बाद जिंदगी में कोई बदलाव आया है तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए, ताकि और लोग जो परेशान है वो मोटिवेट हो सके। और जैसे कि आप लोग कमेंट्स में इतना अच्छा जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बिल्कुल आप ऐसा ही लगाते चलिए, ऐसे ही हमारा जाप भी होता रहता है।
और अगर आपके पास कोई किस्सा या अनुभव है तो मेरी मेल आईडी या मुझे आप व्हाट्सएप पे भी अपनी कहानी बता सकते हैं, मैं लोगों तक आपकी कहानी जरूर लेके आऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।